या तो सेलिब्रेशन का मौका है, लेकिन सेलिब्रेशन हो और उसमें ड्रामा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये केक को लेकर क्या नया यहाँ पर पंगा शुरू हो चुका है? कंगू तेली से लेके बहुत सारे ताने कार को लेके मेरे केक तक, तोहफों तक, हर चीज को लेके ताने ही ताने मिल रहे हैं। अभी घी पर भी आने वाला है, वो है कुछ और। अब वो बात के लिए छोड़, कल आगे क्या सवाल पूछेंगे फिर। काफी सारे ताने मिल रहे हैं जब से इनके घर आए। बस वही है, हम अपनी हैसियत के हिसाब से छोटा केक लाए थे और चौहान से हैं वो ऑब्वियसली बड़ा 5 किलो का बड़ा सा केक आया था, तो उस पर ताना मार दिया कि अपनी अपनी छोटे मोटे क्या बोला। अब अगर तुम मेघना से महंगे तोहफे या केक खरीद सकते हो तो इसमें शर्माने की क्या बात है, डरने की क्या बात है? यार गलत बात है, ऐसे ही होता है, कंपैरिजन हो गया बेसिकली दोनों केक्स का, लोग बदल जाते हैं और देख लिया हमने। अच्छा, उनका रिएक्शन भी कुछ केक को देखकर, आई थिंक केक गिर वेर भी जाता है कुछ ऐसे। हाँ हाँ, अब मैं सब कुछ यहाँ बता दूंगी तो ऑडियंस देखेगी क्या। हाँ, बस एक दोनों में से एक केक गिरता, वो देखो कौन सा केक गिरने वाला है और किसने केक गिराया है। लेकिन साजिशें तो बहुत होती रहती है, बट सेलिब्रेशन का जो सिलसिला है वो कभी नहीं रुकता है। तो मतलब माँ का बर्थडे है, अब इतनी साजिशें हो रही है बट उनका बर्थडे सेलिब्रेट ना होगा। प्रायोरिटी तो वही है और संभालने के लिए मैं हूँ ना, सारा माहौल मैं संभाल लूंगा। हर जगह आके सबको शांत करते, मेघना को गुस्सा आया, शांत। हाँ, बर्थडे तो मनेगा, अच्छे से मनेगा, और बस थोड़ी बहुत जो चल रहा था हो गया ड्रामा, अब अच्छे से हम केक वेक काटेंगे, मॉम के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर जाना है, घर भी तो जाना है, नौकरी ढूंढनी है। अच्छा, लास्ट में सवाल ये जानना चाहेंगे, मेघना और नैना के बीच में जो तनाव है, क्या वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया? अभी तो नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा चलना नहीं चाहिए ये, क्योंकि संगीता और अंकिता को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू।